नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल, कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वह आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का राशिफल अप्रैल 2021 के लिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य जो ग्रह है वह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह सूर्य ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। यह सूर्य ग्रह आपके राशि का सप्तमेश भी है। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-15 दिनों से आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरारें हो रही है या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ रही हैं। लेकिन जैसे ही यह रवि ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा 14 तारीख के बाद, तो उसमें आपको एक अलग ही प्रकार का बदलाव देखा जाएगा। आप में और आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार है उनमें जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आप जो भी काम करते हो उसमें एक अलग ही प्रकार की बात दिखाई देगी। आप आपके काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार है उनसे आपको काफ़ी अच्छी तरीके की मदद भी मिल जाएगी। तो रवि का जो भ्रमण होगा वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, दिनांक 14 तारीख के बाद यह मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। यह मंगल ग्रह आपका तृतीयेश भी है और आपका दशमेश भी है। तो दो तीन बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अभी तक आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं बन रही थी, छोटे मोटे बातों को लेकर विवाद हो रहे थे। लेकिन 14 तारीख के बाद मंगल जैसे ही आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा तो यह जो विवाद है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों के लेकर अनबन हो रही थी, लेकिन 14 तारीख के बाद ये भी बातें काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, तो उसी पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है यह बुध ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। यह बुध ग्रह आपका पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है। तो बुध का जो भ्रमण होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगा। हालांकि अब तक आपने देखा भी होगा कि कई प्रकार के अच्छे लाभ आपको मिल रहे हैं। पैसे के मामले में जो भी समस्याएँ आपके सामने थी वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दिनांक 17 तारीख के बाद जैसे ही ये बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा तो फिर से जो मैंने मंगल ग्रह के बारे में कहा कि रिलेशनशिप के बारे में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। छोटी मोटी बातें होगी या फिर गलतफहमियां होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है या फिर थोड़ी एक्सट्रीम लेवल तक भी जा सकती है। खुद के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप किसी व्याधि से ग्रसित हो, एलर्जिक हो, तो उसके संदर्भ में भी कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है यह गुरु ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 6 तारीख के बाद यह गुरु ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। अभी तक आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 6-7 महीने में आपके काम नहीं हो रहे थे, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था और ऐसा स्ट्रेस जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपके उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्रकार की न होने के बावजूद वो स्ट्रेस आपको आ रहा था। लेकिन जैसे ही ये गुरु ग्रह आपके व्यय भाव से आपके राशि पे भ्रमण करेगा 6 तारीख के बाद, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप में काफ़ी अच्छी देखी जाएगी।
पैसे के मामले में भी जो प्रॉब्लम या क्रंच आए थे वो भी काफ़ी मायने में नॉर्मल होते हुए नज़र आएगी। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो कई मायने में नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी। अगर आपने किसी बड़ी बात के ऊपर सोच विचार किया है तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छी बातें उभर कर सामने आ सकती हैं। तो जो गुरु का भ्रमण है आपके राशि में 6 तारीख के बाद वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो मानसिकता है, उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी आपको नज़र आएगी। इसके बाद का जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 11 तारीख के बाद, या आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। शुक्र जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह है, वो चतुर्थेश और भाग्येश भी है। जैसे कि ये शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में चल रहा था तो घर के मामलात में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आ रहे थे, पैसे भी आपको वैसे मिल रहे थे और कहीं ना कहीं से तो पैसे का जुगाड़ हो ही जाता था। तो वही जो बात है वो आपको अनुभव होगी करीबन 10-11 तारीख तक। और जैसे ही ये शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में जाएगा तो घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बात, खास करके आपके घर में जो महिला सदस्य है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। अगर किसी बड़ी विषय पर अगर आप सोच रहे हैं तो उसके संदर्भ में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, आपका घूमना फिरना भी हो सकता है। तो शुक्र का जो भ्रमण होगा आपके लिए वो मिला जुला साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, यह शनि ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और इस संपूर्ण महीने में यह मार्गस्थ होगा। तो शनि के व्यय भाव में होने के कारण आपकी जो राशि है वह 7.5 में है और उसके जो परिणाम है वह भी आपने देख चुके हैं। तो उसी के परिणाम, उसी को चलते हुए ये जो परिणाम है वो ज़्यादा मात्रा में इस महीने में आपको नहीं मिलेंगे। मतलब आपने जो भी अनुभव किया है अभी तक शनि के भ्रमण के बारे में, जो जितना इंटेंसली आपने अनुभव किया है उतना इंटेंसली आपको शनि का भ्रमण इस महीने में नहीं होगा, क्योंकि गुरु जो है वो आप ही के राशि में भ्रमण करने के कारण शनि का जो भ्रमण है वो ज़्यादा इंटेंसली आपको प्रभावित नहीं करेगा। दूसरे महीने में देखा जाए तो नॉर्मल इसका जो भ्रमण है वो देखा जाएगा। राहु केतु के बारे में अगर चर्चा करें तो राहु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, केतु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन राहु और केतु के साथ किसी अन्य ग्रह के महत्वपूर्ण योग न होने के कारण इसके जो परिणाम है वो आपको नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योग के बारे में। ग्रह योग के बारे में अगर देखा जाए तो ग्रह योग जो परिणाम होते हैं वो 3-4 दिनों तक सीमित होते हैं, लेकिन उसके परिणाम मिलते ज़रूर हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपकी के राशि में स्थित नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। यह जो कालावधि है, मतलब 8, 9, 10 इन कालावधि में यह जो केंद्र योग होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा। खास करके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं वो इन दिनों के दरमियान हाथ में नहीं लेना। अगर आप इन दिनों के दरमियान कहीं घूमना फिरना चाहते हो तो वहाँ पर भी जिस कारणवश आपके जो सफ़र होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल और गुरु का त्रिकोण योग। गुरु जो कि आप ही की राशि में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव में सिर्फ मंगल जो है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी योग आपके लिए ये बन रहा है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑफिस के बारे में जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे होते हुए नज़र आएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। पैसे के मामला में भी अगर आपको कुछ तंगी है या फिर पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो यह जो पर्टिकुलर ग्रह योग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। इसका जो प्रभाव है इस ग्रह योग का वह करीबन 16, 17, 18, 19 तारीख तक देखा जाएगा। उसी प्रकार रवि और बुध की युति भी होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। रवि बुध की युति आपके तृतीय भाव में मेष राशि में होने जा रही है। रवि जो है वह आपका सप्तमेश भी है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ कई बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी बातें थोड़ा सा अलग प्रकार से उभर कर सामने आ सकती, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। यह जो ग्रह योग है इसका जो कालावधि है वो करीबन 18, 19, 20 तारीख तक इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा।
उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को शुक्र और हर्षल के केंद्र योग होने जा रहे हैं। शुक्र जो कि आपका चतुर्थेश भी है, भाग्येश भी है, इसके जो युति है वो आपके तृतीय भाव में होने जा रही है। तो आपके घर के जो सदस्य होंगे, खास करके महिला सदस्य, उनके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम बोलते हैं, तो वो आपको देखने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा खुद के ऊपर थोड़ा संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। अब यह जो ग्रह योग है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका जो कालावधि, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 24 और 25 तारीख को। इन कालावधि के दरमियान अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, आपके रिलेशन एंड तक भी जा सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। आपके सेहत के बारे में भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि जो स्ट्रेस होगा वो काफ़ी स्तर पर, मानसिक स्तर पर देखा जाएगा। इसी प्रकार बुध और शुक्र की युति होने जा रही है और इस युति के साथ आपके वेय भाव का जो शनि है वह केंद्र योग भी करने जा रहा है। हालांकि ये जो युति है आपके लिए शुभ फलदायी होगी, लेकिन इसके जो परिणाम है वो जो शनि है केंद्र योग में करने वाला है वो पूरे तरह से नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, और अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम हाथ में ले रहे हो तो इन दिनों में नहीं लेना। यह जो योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 24, 25 और 26 तारीख को। उसी प्रकार रवि और हर्षल की युति भी होने जा रही है आपके तृतीय भाव में मेष राशि में, और इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 29, 30 और 1 मई को देखा जाएगा। इसका जो महत्वपूर्ण जो भाग है, भाव है, वो आपके रिलेशनशिप के मामले में है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ रिलेशनशिप के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उनके साथ मनमुटाव हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल तक आपकी जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 12 तारीख को है मेष राशि में, मतलब आपके तृतीय भाव में, और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को है, और इसी के दरमियान हनुमान जयंती भी है। अमावस और पूर्णिमा के दरमियान अगर देखा जाए तो चंद्रमा और रवि का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो भावनाएँ होती है वो ज़्यादा तीव्रतम होती है, और भावनाशील व्यक्ति डिसीजन अच्छी तरीके से नहीं ले पाता। इसी वजह से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना, कमिटमेंट नहीं करना, प्रोमिसेस नहीं करना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर आप ऐसे कोई डिसीजन लेते हो जिसकी वजह से आपके जीवन का रूप बदल जाए तो इस प्रकार के डिसीजन भी इन दिनों के दरमियान नहीं लेना। ये जो दिन है, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, अमावस 12 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।